दोस्तों वेलकम टू योर चैनल ओपन माइंड। आपको तो पता होगा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में। चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। जैसे कि एक लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़े किया गया तो वो छोटे छोटे टुकड़े लकड़ी ही रहेगा, बस उसका साइज और शेप बदलेगा लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदलेगा। फॉर एग्जाम्पल और एक लेते हैं, एक आयरन रॉड को अगर गर्म किया गया तो वो लाल हो जाएगा लेकिन वो आयरन ही रहेगा। इसी तरह कोई भी चेंज में अगर उसका साइज शेप कलर या उसके स्टेट में चेंज हुआ पर उसका स्वभाव नहीं चेंज हुआ वही है तो उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। इसी तरह अगर हम एक लकड़ी को जला दिए तो वो राख बन जाएगा, इसका मतलब उसका स्वभाव बदल गया है। इस तरह के चेंजेस को हम केमिकल चेंजेस कहते हैं और ये केमिकल चेंजेस तरह तरह के केमिकल रिएक्शंस के वजह से होते हैं। दोस्तों मेरा नाम संबत कुमार है, आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वाला है केमिकल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन करना, यानी कोई दो चीज़ या तीन चीज़ को एक करना। फॉर एग्जांपल अगर ए केमिकल बी केमिकल से मिल गया है तो वो ए बी बन जाएगा, मतलब ए और बी मिलकर ए बी केमिकल बन रहा है, यहाँ पर कंबाइन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कोल। कोल एक कार्बन है, अगर ये कार्बन को जला दिया गया ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, मतलब कार्बन सी प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम रिबन को अगर हम जला दिए तो वो भी ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, मतलब Mg प्लस ऑक्सीजन O गिव्स MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हो गया पहला वाला केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें दूसरा वाला है केमिकल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है अलग होना। फॉर एग्जाम्पल ए बी बोलकर एक केमिकल है जिसको रिएक्ट हुए बाद में ए और बी में अलग अलग हो गए। इसी तरह से यहाँ पर ए बी रिएक्टेंट कहा जाता है और वो रिएक्शन हुए बाद में जो भी रिजल्ट आता है उसको प्रोडक्ट्स बोलते हैं, मतलब एक रिएक्टेंट रिएक्शन हुए बाद में अलग अलग प्रोडक्ट्स में बदलता है तो उसे हम केमिकल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को लिए गए वो हीट करे बाद में कैल्शियम मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलेगा, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट अलग होकर कैल्शियम मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अलग अलग हो गया, ये होता है केमिकल डिकम्पोजिशन। और नेक्स्ट वाला है केमिकल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है अपना प्लेस बदलना, अपनी जगह बदलना। फॉर एग्जाम्पल ए केमिकल और बी सी बोलकर एक केमिकल, यहाँ पर ए बी का प्लेस लेकर ए सी बन जाएगा और बी अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा केमिकल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं जिंक अगर हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्ट हुआ तो वो जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन रिलीज करेगा, ये हो गया केमिकल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल। अगला वाला है केमिकल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें केमिकल्स अपनी जगह बदलते अदला बदली। फॉर एग्जाम्पल ए बी बोलकर एक केमिकल है और सी डी एक केमिकल है, यहाँ पर बी सी का प्लेस लेगा सी बी का प्लेस लेगा और बनेगा ए सी प्लस बी डी। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट होगा तो वो सिल्वर क्लोराइड बनेगा और सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, यहाँ पर सिल्वर का प्लेस सोडियम लिया है और सोडियम का प्लेस सिल्वर लिया है, अपना जगह अदला बदली करेगा। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, लेकिन एक और रिएक्शन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखते हैं। प्लीज़ लीव योर कमेंट्स, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। सी यू।